हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट और बेल्टिंग की। आज इसमें हम जानेंगे बेल्ट के प्रकार और कार्य क्या होते हैं और बेल्ट ड्राइव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर बेल्ट की, तो पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन को चलाने के लिए हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं। इसकी जो धातु होती है या सामग्री की बात करें, चमड़ा, कॉन्वेक्स या रबड़ की होती है। अगर हम इसे साधारण भाषा में कहें तो पुल्ली और शाफ्ट पर चढ़ाकर जब हम मशीनों को चलाया जाता है, जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे हम बेल्ट कहते हैं। बेल्ट बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, मल्टी वी बेल्ट, राउंड बेल्ट, रिब्ड बेल्ट, टूथ बेल्ट, लिंक बेल्ट। इनके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, आइए तो देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैट बेल्ट। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है आयताकार होता है, और सबसे ज्यादा दोस्तों यही बेल्ट प्रयोग में लाई जाती है। इसका जो प्रयोग है टॉप सरफेस वाली पुल्ली पर करते हैं, जिसमें बेल्ट सेंटर में होकर चले। और अगर इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण इसकी चौड़ाई, मोटाई और लंबाई के अनुसार किया जाता है। और जो इसका प्रयोग है वह 1400 मीटर प्रति मिनट सरफेस स्पीड पर किया जाता है। इसकी मतलब जो चाल है वो एक मिनट में 1400 चक्कर लगाएगी, वो इतनी सेंटर में होकर चलती है बेल्ट, जिससे फिसलती नहीं है। और इसके हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज है, इसकी चौड़ाई और क्रॉस सेक्शन से लिया जाता है। इसकी जो दूरी होती है वो 10 मीटर तक होती है। अब हम बात करेंगे वी बेल्ट के बारे में। इसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो आता है इसके एंगल। अगर इसके एंगल की बात करें तो इसका एंगल जो होता है वो 40 डिग्री होता है। और इसका क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसे समलंब चतुर्भुज कहा जाता है या ट्रेपोजियम भी कहा जाता है। वी ग्रूव पुल्ली पर इसको फिक्स करके किया जाता है। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत लंबे टाइम तक चलती है, इसका जीवन काल लंबा होता है, स्थान कम गिरती है, ग्रिपिंग पावर बहुत अधिक होती है। और इसकी अगर हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो अंदरूनी परिधि इसके क्रॉस सेक्शन से लिया जाता है। इसका वर्गीकरण भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसके क्रॉस सेक्शनल चेन, नॉमिनल अंदरूनी लंबाई या आईएस नंबरों के अनुसार। आईएस नंबरों के अनुसार ये ए से ई ग्रेड तक पाई जाती है। और जो इसकी सरफेस स्पीड है दोस्तों वो है 1500 मीटर प्रति मिनट। दूरी इसके भी फ्लैट बेल्ट की तरह 10 मीटर ही होती है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल वी बेल्ट की। इसमें एक साथ क्या होता है दोस्तों, 3 या 4 बेल्ट जुड़ी होती है, जिसका प्रयोग हैवी ड्राइव के लिए करते हैं। जहां हमें बहुत हैवी लोड की जरूरत हो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं राउंड बेल्ट की। राउंड बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है गोल हाफ राउंड होता है, और इसका प्रयोग जो है वो हल्के व छोटे कार्यों के लिए किया जाता है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली सभी जानते हैं कि जो टेलरों पे मशीन होती है उसमें भी हम राउंड बेल्ट का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम रिब्ड बेल्ट की। यह भी एक फ्लैट बेल्ट की तरह ही होती है। इसमें एक तरफ रिब्स बने होते हैं, जिसे रिब्स को हम झिर्रियां भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग जो है हम झिर्री वाली पुलियों में ही करते हैं। अब हम बात करते हैं लिंक बेल्ट की। यह बेल्ट छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है। इसका प्रयोग भी हम वी ग्रूव पुलियों पर ही करते हैं। इसका क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि लिंक बेल्ट का प्रयोग किस पुली पर किया जाता है, तो वो वी ग्रूव पुली पर किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टूथ बेल्ट की। इस बेल्ट में एक तरफ दांते बने होते हैं, इसका प्रयोग हम गरारियों पर करते हैं जहां स्लिपेज नहीं होती। इसे हम टाइमिंग बेल्ट भी कहते हैं दोस्तों। जो आपने देखा होगा कारों में या कहीं पर भी जो हम बेल्ट यूज करते हैं, वहां टूथ बेल्ट यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बेल्ट ड्राइव के प्रकार के बारे में। बेल्ट ड्राइव प्रकार के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ओपन बेल्ट ड्राइव। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, दोनों पुल्ली एक ही दिशा में घूमती है और दोनों शाफ्ट आपस में समानांतर होती है। ऐसे ही इसमें क्रॉस बेल्ट ड्राइव होती है। इस विधि में दोनों पुल्ली के घूमने की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसमें भी दोनों शाफ्ट आपस में समानांतर होती है। दोस्तों ध्यान रखना, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट में जो शाफ्टें होती हैं वो दोनों आपस में समानांतर होती हैं, बस इनकी पुल्लियों के घूमने की दिशा अलग अलग होती है। ओपन बेल्ट में एक दिशा में घूमती है और क्रॉस बेल्ट में विपरीत दिशा में घूमती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ बेल्ट के जो कुछ अन्य संकेत होते हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बेल्ट में। स्लिपिंग, अगर हम स्लिपिंग की बात करें दोस्तों, जैसे हमें स्लिपिंग का मतलब होता है फिसलना। तो जब बेल्ट पुल्ली पर ढीली हो जाती है तो फिसल कर पुल्ली से नीचे गिर जाती है, उसे ही स्लिपिंग कहते हैं। यह तब होता है जब फेस अधिक स्मूथ होने के कारण होता है दोस्तों। आपने देखा होगा, जैसे अगर जमीन पे भी अगर टाइल्स पे ज्यादा फिसलन हो जाती है तो आदमी फिसल कर गिर जाता है, ऐसे ही बेल्ट में होता है। अगर पुल्ली ज्यादा स्मूथ होगी तो उसमें से बेल्ट बार बार फिसलेगी। और इसे अगर हम बात करें कि पुल्ली कैसे
पुल्ली पे से बेल्ट कैसे ना फिसले, तो उसके लिए हम इस पे बेल्ट के ऊपर रेजिन लगाकर टाइट कर लें, और यदि ज्यादा ही स्मूथ है तो पंच के द्वारा हल्के हल्के निशान लगा लें पुल्ली पर। अब हम बात करते हैं क्रीपिंग की। ड्राइवन और ड्रिवन पुल्ली के रिम के फेस पर स्पर्श एरिए के बीच बेल्ट जो इधर उधर सरकने को क्रीपिंग कहते हैं, यानी जो सेंटर से बेल्ट हमारी पुल्ली के सेंटर से जो राइट या लेफ्ट होकर चलती है उसे हम क्रीपिंग कहते हैं। क्रीपिंग कब होती है दोस्तों, जब लोड अधिक होने से क्रीपिंग होती है, जब उस पर लोड अधिक पड़ेगा तो बेल्ट इधर उधर सरकेगी, उसे ही हम क्रीपिंग कहते हैं। इसमें क्या आता है कि बेल्ट का इधर उधर होकर चलने से पुल्ली के गति के अनुपात में अंतर आता है। अब हम बात करते हैं क्राउनिंग की। पुल्ली के फेस में दोस्तों आपने देखा होगा जो कुछ उभरा हुआ भाग होता है, जो पुल्ली के फेस में थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है, इससे यह लाभ होता है कि चलते समय बेल्ट सेंटर में होकर चलती है, बेल्ट बिल्कुल सेंटर में रहेगी, इधर उधर नहीं होगी और इधर उधर नहीं होगी तो क्रीपिंग नहीं होगी, इसलिए पुल्ली में क्राउनिंग की जाती है। बेल्ट स्लिपिंग और क्रीपिंग नहीं करती, जो फेस को उत्तल बनाते हैं उसे क्राउनिंग कहते हैं। क्राउनिंग कम होने से, अगर दोस्तों क्राउनिंग कम होगी यानी उत्तलता कम होगी तो बेल्ट की क्रैक होने की संभावना अधिक रहती है। अब हम बात करते हैं ड्रेसिंग के बारे में। ड्रेसिंग बेल्ट के तनाव देने के लिए बेल्ट और पुल्ली के फेस पर रेजिन पाउडर भरने को ड्रेसिंग कहते हैं, जिससे वो सही से चले।